अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद हुसैनाबाद में पुलिस स्टेट पर आया हूँ। तो मैं बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने बोला यार आज मैं ट्राई करता हूँ हुसैनाबाद पे पुलिस स्टेट में जाके कि क्या मेरे हिसाब से क्या अच्छा चीज़ है। तो मुझे यार ये पीछे ये तो मुझे ये जा रहा था, मैं यहाँ से क्रॉस हो रहा था, तो मुझे ये कलर स्कीम मतलब अट्रैक्ट हो गया मैं इस चीज़ से ना। तो ये मुझे अभी पीछे लग रहा है ये बहुत अच्छा है, इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है इनका, ये पता नहीं अब क्या है। अब यहाँ चल के देखते हैं कि इनका क्या खाने में, अभी बहुत भूख तो लग रही है, कुछ अच्छा ही हो क्योंकि ये पहली बार ट्राई करने वाला उनका नया खुला है। आ जाओ भाई। तो भाई मैं यहाँ कार्ट पर आ गया हूँ, फूड कार्ट पर। तो मैं इनका भी मेन्यू चेक करता हूँ कि इनका स्पेशलिटी क्या है, फिर और ये बताते हैं, फिर अभी आपको भाई से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तो भाई आज अपना आप मेन्यू बताएं कि मेन्यू में क्या क्या है आपका, क्या स्पेशलिटी है आपकी? जो करता है वो सैंडविचेस और रैप्स करता है, बट मोस्ट सारे हमारे रैप्स हैं जो थिन ब्रेड पर बनते हैं, उसका मीट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो मैं आपको टर्की रोस्ट ट्राई कर रहा हूँ, उसका मीट जो है वो टेंडर ब्रेस्ट का, ठीक है, इसमें दो ब्रेस्ट यूज़ किए जाते हैं चिकन के। और इसकी स्पेशलिटी ये चिकन की, इसमें कोई ऑयल या बटर यूज़ नहीं है, यानी जो इसकी जो स्टीमिंग प्रोसेस है वो इस चिकन का ओरिजिनल उसका ही फ्लेवर ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या क्या भी होगा? इसकी सीजनिंग में बेसल की सीजनिंग है, सही है, ये स्टीमिंग प्रोसेस हो जाएगा मैक्सिमम 5 मिनट्स जी, 5 मिनट्स इसकी टाइमिंग है। अच्छा, वाइट का तो हाफ स्लाइस यूज़ किया जाता है इसके ब्रेस्ट के ऊपर के लिए, ये ग्रिल्ड होता है मैक्सिमम 1 मिनट का, इसमें जो है वो बटर की टॉपिंग की जाती है ताकि इसका मीट रेडी हो चुका है। इस प्रोडक्ट को मेक किया जाता है टॉटेला ब्रेड पे, और इसके जो 4 कॉलम्स बनाए जाते हैं, 2 कॉलम हमारे मीट के जो हमने पहले तैयार किए थे। लास्ट कॉलम हमारा है वो लेटस लीफ, चीज़ स्लाइस, एक स्लाइस चलेगा इसको चीज़ में, रेड शेडर का एक स्लाइस यूज़ किया जाता है फ्राइज की टॉपिंग के साथ। स्पाइस कॉम्बिनेशन जो है इसका वो वैसे ऑप्शनल है, बट जो इसका एक्चुअल फ्लेवर है बिल्कुल माइल्ड। आपको स्पाइसी चाहिए? स्पाइसी चाहिए। इसके 2 स्लाइडर्स जो हैं जो इसका मीट का कॉम्बिनेशन है वो डायनामाइट सॉस से कवर्ड है, यानी माइल्ड स्पाइस और फ्लेवरफुल होने वाला है। और 2% में आप लॉग भी ट्राई कर सकते हो। बाकी के जो 2 कॉलम्स है उसमें 1 कॉलम में आ रही है हमारी रेड हॉट सॉस, स्पाइस लोगों को हिट करेगी। कौन सी सॉस है? रेड हॉट सॉस, 2% से ऊपर हमारी मोस्ट सेलिंग सॉस है। और देन लास्ट आ रही है हमारी स्मोकी बारबेक्यू सॉस, ये सॉस आपके टर्की के फ्लेवर को एक डेवलप करेगी, यानी इसका जो सॉस का टेक्सचर है वो इसके मीट को दबाएगा नहीं, बिल्कुल फ्रेश फ्लेवर देगी। एंड देन जो इसकी फॉर्मेशन है वो एक क्लॉक वाइज है, यानी 4 स्टेप फोल्डेड होता है। सॉसेज इतनी होती है कि फर्स्ट बाइट से लास्ट बाइट तक आपका सॉस ड्रिप करेगा। ये टॉटेला रैप ग्रिल्ड होने जाएगा, सिंगल सिंगल वाला करते हैं वो सिंगल मैक्सिमम 2 मिनट्स, एंड देन आपकी सर्विंग जो हुई सारी सिंगल सर्व। चलो अब बैठते हैं कि भाई ऑर्डर रेडी हो जाए 2 मिनट में, फिर ऑर्डर आता है फिर खा के हम आपको रिव्यू देते हैं कि कैसा बना। लग तो अच्छा रहा है, अभी खा के बताते हैं। भाई ऑर्डर तो रेडी होकर आ गया, मेरा लग तो बहुत टाइट रहा है, लेकिन मैं अकेले तो खा नहीं सकता इसे, तो आपको शेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। तो अभी शुरू करते हैं, खा के बताता हूँ मैं आपको। ट्राई करके दिखाता हूँ, ये लग तो बहुत मज़ेदार आई है, सॉस ही बहुत है, तो मैं ये ट्राई करके बताता हूँ। मज़ेदार ये है, बहुत मज़ेदार यार, किस तरह का टेस्ट आ रहा है इसमें ना यार, इसमें टेस्ट जो आ रहा है ना बिल्कुल
बिल्कुल सबसे हटके टेस्ट है। इसमें सॉस जो है ना, अलग किस्म के सॉस डले हुए, इसमें चार सॉस डले हुए, सही है। और जो इसकी चिकन पे, मतलब चिकन के जो टेस्ट है ना, बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे नॉर्मल ग्रिल जो चिकन होती है ना, उसका वो ऐसा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल अलग टेस्ट है इसका। और मेरे ख्याल से मैं तो ये सिंगल भी बहुत मुश्किल से ख़त्म कर सकता हूँ, बहुत हैवी है भाई। बहुत मज़े का था सैंडविचेस, और मैंने तो ये बहुत बनाया अच्छा था। तो भाई अगर आप लोगों को भी अगर ऐसी पसंद है कि मतलब सैंडविच और ये पेरी पैरिस और ये जो है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ज़रूर आए, ट्राई करें आकर यहाँ। और ये मेन हुसैनाबाद पे है, ये मस्जिद है उसके सामने बिल्कुल अपोजिट है, तो आप बिल्कुल यहाँ आके ट्राई करें। और बिल्कुल लो रेट में ये तकरीबन, मतलब आपका 500 के अंदर 700 के अंदर अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत अच्छा टेस्ट है। आप आके बिल्कुल ट्राई करें। शुक्रिया।